राजस्थान की मेहंदी है ना ये, तो अच्छी होती होगी ना मेहंदी। सोचो दी एक ऐसी जगह है मैम जहाँ से मेहंदी आती है। ये मैम 100 रुपीस का है, 250 ग्राम मतलब पाव है ये, 100 रुपये का। ये मतलब 5 बार छने हुए दोनों, और ये दोनों 3 बार छने हुए। तो 5 बार छने हुए, 3 बार छने हुए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप पूरी पिक्चर के अंदर, हाँ मैनुअल लेबर है ना, हाँ इनको हाथ से पूरा छानते हैं कपड़ा लगाते हैं। अच्छा, उससे क्या है कि इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाती है। ओके, तो ये वाली ज़्यादा प्योर हुई फिर, और एकदम ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कुछ मिलावट तो होगी नहीं। ये एक जीए प्रोडक्ट है, ये पूरा पवेलियन है, जो जीए पवेलियन है यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उस जगह की पहचान है। पूरे भारत में सोच से ही सप्लाई होती है। बालों में लगाने के लिए अच्छी है। जीआई मतलब क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक सर्टिफिकेशन है हमारे लिए कि पूरे भारत में जो चीज़ जहाँ की फेमस है वो वहीं से आती है सारी। सोजत को एक पहचान मिल चुकी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सोजत मेहंदी लिखा हुआ है। हाँ, सोजत मेहंदी का मतलब यह है कि मेहंदी सोजत की, सोजत का मतलब यह है कि प्योरिटी की। यहाँ पर सोजत जगह का नाम है, राजस्थान में सोजत एक जगह का नाम है। जैसे आपको अगर कोई कहे कि बनारसी साड़ी तो वो बनारस की पहचान है। हाँ, वैसे ही जैसे सोजत की मेहंदी का पहचान है। पान बेच रहे हैं मगही पान, ये बिहार की पहचान है। मगही पान, मगही पान, मगही किस जगह का? बिहार की, यूपी। क्या पान है मतलब? ये मीठा पान है। तो एक खास बात क्या है? 30-30 का एकर। खास बात क्या है इस पान की, कुछ बताओ? इसकी पत्तियां बड़ी मुलायम स्वादिष्ट, पत्तियां छोटी एवं सुंदर। अच्छा, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इसमें क्या क्या डालते हो भैया? चूना वूना में डालते हो? और तंबाकू तो नहीं डालते हो? नहीं, तंबाकू सुबह नहीं है। ये कितने के हैं? कितने का बोल रहे हो आप? 850 का। हॉर्न एंड बोन, ये हॉर्न एंड बोन का मतलब क्या हुआ? सींग से क्या बने हुए चीजें? बोन से क्या बना हुआ है? सारा कुछ नहीं होता मैडम, लेकिन अधिकतर है जैसे ये पूरा बोन का बना हुआ है, ये फोटोग्राफ बोन का बना हुआ है, जानवरों के हॉर्न्स का। तो चूड़ियां बनी हुई है क्या ऐसी? कहाँ पे, किस जगह से बनी हुई है मतलब? संभा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, यूपी से ही। तो आप जानवर को मार के करते हो? जब वो मर जाते हैं तो मरे हुए जानवरों का लेते हो? मरे हुए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जानवर जो बाहर छोड़ कर उनके सींग जल्दी गिर जाते हैं। गिर जाते हैं जैसे डियर होता है ना, डियर के सींग निकलता है। जानवर को हार्म नहीं करते ना आप लोग? मारते तो नहीं, ऐसे तो अलाउड ही नहीं ऐसे तो सब कुछ देखिए। और पंजाब रह गए हैं, और पंजाब अब सभी लोग कह रहे हैं हमें वापस जाना है। हमारा पंजाब रह गया, तो हम सोचा अपना स्टेट तो हम देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे तब से गेट नंबर 4 पर वापस जा रहे हैं, वहाँ हमने मिस कर दिया पंजाब देखना। हम गए घूम घूम के थक गए, हमें पंजाब नहीं मिल रहा कहीं पे। हम सबसे पता कर रहे हैं पंजाब का है, पंजाब का। इसमें पानी पिला दे, प्यास लग रही है पंजाब घूम घूम के, इसे मैं ही थक गई हूँ मैं। भैया पंजाब का है पंजाब, आगे जाकर रात में जाइए पंजाब, आगे जाके लाइट। थैंक यू, लेफ्ट, थैंक यू। फाइनली हम थक गए और फाइनली हमें पंजाब मिला, आगे जाके लेफ्ट। फाइनली पंजाब दिख गया हमें, फाइनली हमें पंजाब दिख गया, आ गया पंजाब। बल्ले बल्ले कभी बल्ले बल्ले पंजाब आ गए, तो बल्ले बल्ले पंजाब आ गए, बल्ले बल्ले कभी किसी को और कुछ खाना है अभी।
हाँ जी, क्या है ये? खीर। खीर वर्का की खीर है ये? वर्का की खीर है? वेरका है, वर्का क्या बोलते हैं? वेरका ना। अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छी कितने की है? 50 की दो। 50 की दो है। और क्या है? और आप पंजाब से ही हो? हाँ जी। किस जगह से? ये तो हमारा मोहाली प्लांट से। मोहाली प्लांट से हैं जी? बाकी हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ये बॉस हैं आपके? हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, हम यहाँ बैठ के फाइनली वेरका की लस्सी पी, छाछ पी रहे हैं, हम बहुत थक चुके हैं। चेहरे देखे नहीं लग रहा थक चुके, पर थक चुके। सब लोग घर से खाना लाए, कॉफी लाए, ये भी लाए, पूरा पिकनिक मना। अभी दूसरी लस्सी लाया है, दूसरी छाछ लाया और शेयर नहीं करा रहा। मैंने गरम वाला छाछ पी लिया। वेरका का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ब्रांड है पंजाब का और वहाँ के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे। मैंने कई बार ट्राई किए। तो आंटी घर से बर्तन भी लाइए, उसमें आंटी कमेंट कर रही है। वेरका की खीर है वो 50 की दो थी, 25 की एक, रीजनेबल। अभी हम इसे घर लेके जा रहे हैं, घर में हम निकल रहे हैं, बस घर में हम एकदम चिल करके पीछे बैठ के तब गाइस कुछ कुछ स्ट्रोक हो, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे करके डाल रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं ताकि ताकि रियूज हो। वेरी गुड कबीर, आपने वरना झूठी लोगों की बुला देता है। नहीं, छोटे चपड़े टंगे हुए हैं कोल्हापुरी। ये देखो ना, ये देखो, ये वाली छोटे चपड़े हैं। क्या चीज है जी? ये मैम जल जीरा। जल जीरा, नेचुरल जल जीरा, पैक्ड होगा ना ये? लिक्विड होगा। सरदार जी के पास इतनी वैरायटी ऑफ पापड़ से और वो फ्रेश गरम गरम वहाँ पे सबको टेस्ट करवा रहे थे। नॉर्मली सब ने एक दो टेस्ट किए और जिनको लेना था ले रहे थे, जिनको नहीं लेना था वो टेस्ट करके निकल रहे थे। और वहाँ पे एक कोई थे जो बहुत सारे पापड़ खाते खा के पर उन्होंने लिए भी नहीं और वो चले गए। तो सरदार जी को बहुत गुस्सा आया उनके ऊपर और फिर वहाँ सब लोग भाग गए डर के मारे कि लगता सबको डांट पड़ जाएगी। आपको लेना है नहीं करते किसी को यार, अच्छा लगता है आप एक्टिविटी हो, क्या करते हो, क्या करते हो, पढ़े लिखे आदमी यार। हमें कंगन कितनी डांट पड़ गई सरदार जी से, हम सब भाग जैसे वो चलाए सारे के सारे लोग पापड़ खा के भाग गए एकदम से, कभी हम भी भागे दम तो भागे नहीं।
भाई कौन सा डांट पड़ती खूब ज्यादा है। हम निकलते हैं, बस चलते हैं। आइस जस्ट आपके यहाँ आएंगे और एंजॉय करेंगे। मजा आया